वेलकम फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी जीरो लेवल की क्लास शुरू हो चुकी है। एक ऐसी क्लास जहां आप पढ़ते नहीं, सीखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक ऐसी क्लास जो पढ़ाई का दीवाना बना दे आपको। आपने इश्क मोहब्बत में लोगों को दीवाने बनते देखा होगा, लेकिन आपकी जो ये क्लास होती है ना, इससे आप लोग पढ़ाई के दीवाने हो जाते हैं। आज की क्लास में हम कुछ ऐसा ही लेकर के आए हुए हैं, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, जिनसे बहुत से लोगों को डर लगता है उनसे उनकी मुलाकात मित्रता कराने के लिए, कि आप लोग को डर ना लगे। देखिए, आज हम देखेंगे भिन्न को छोटी बड़ी कैसे पहचानते हैं। जैसे कहा जाए 2/4 और 1/3 में कौन बड़ा है, आप लोगों को काफी दिक्कत होती है। जैसे मैं अगर सिंपल सा नंबर आपको दे देता हूं तो आप सभी लोग बता ले जाएंगे भाई। चलिए देखिए, जैसे हमने कहा 4 और 9, इसमें कौन बड़ा है, तो सभी लोग बता लेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो ना बता पाए इसको। सभी लोग जानते हैं 9 बड़ा है ना। लेकिन अगर इसी में मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दूं, 4/3 और 9/5, अब कौन बड़ा है, तो आप लोगों को काफी ठंडी लगने लगती है ना। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान होता है। कैसे, अगर समझ ले तब, रटेंगे तो गणित बहुत मुश्किल है, अगर समझेंगे तो मैथ आसान है। जी हाँ, मैथ आसान है। कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगी। देखिए आगे चलते हैं, 1/2 है ना, ये है 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक वस्तु है जिसको दो लोगों को बांटनी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक वस्तु है जिसको चार लोगों को बांटनी है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर मानते हैं एक चॉकलेट है, उसको दो लोगों को देंगे तो ज्यादा ज्यादा उन्हें मिलेगा, या फिर अगर उसी को हम चार लोगों को देंगे तो ज्यादा ज्यादा मिलेगा। समझ गए होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जब भाई दो लोग रहेंगे तो ज्यादा मिलेगा। क्योंकि मान लेते हैं, चलिए ये चॉकलेट है, ठीक है ना, मैं बना दिया हूं भाई वैसे सस्ता वाला, है ना, ऐसे तो होता है ना। ठीक, अब चलिए ठीक है, देखिए पहले दिन के अनुसार इसको दो लोगों में बांटना है। दो लोगों में मतलब ये आधा आधा। अब आप देख सकते हैं कितना कितना आया, इतना इतना हुआ ना। अगला देखिएगा, अगर इसी को चार लोगों में बांटना है, तो चार लोगों में बांटना है मतलब अब आप समझ गए होंगे, ऐसे ही चार लोगों में बांटना है। तो देखिए, चार पार्ट करिए इसके, 1, 2, 3, 1, 2, 3, चार भाग हो गया। अब आप देखिए, खुद ही देखिए इसमें कितना छोटा छोटा टुकड़ा आएगा ना, कितना छोटा छोटा, बट इसमें देखिए ज्यादा है। क्यों, क्योंकि दो लोगों में बांटा गया है, ये चार लोगों में बांटा गया है। तो एक बात जान लीजिए, अगर ऊपर का अंश समान है, मतलब ऊपर की गिनती समान है, नीचे की गिनती जितनी ही छोटी होगी वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। जी हाँ, देखिए दो छोटा तो है, चार बड़ा है। आप कहेंगे कि ये वाला बड़ा है, नहीं ये बड़ा नहीं है, क्योंकि एक में चार लोग को बट जाएगा, इसमें एक को दो लोग को बटेगा। समझ गए ना, तो आप लोग जल्दी से अगले सवाल का जवाब दीजिए। ये तो जान गए कि 1/2 बड़ा है। अगला सवाल देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं, गणित सिखाने की पूरी 100% गारंटी, अगर आप हमारी सभी क्लास देखते हैं तो ये आपका PBR स्टडी, आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नहीं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। 5/3 और 5/12, अब जल्दी से आप लोग बता दो कौन बड़ा है, जल्दी से। मानते इसको चलिए 13 कर देते हैं, सब कुछ पलट गया। ऑप्शन नंबर पहला है 5/13 बड़ा है, 5/12 बड़ा है, 5/9 बड़ा है। अब आप कहेंगे तो है नहीं, तो हाँ इसी में से होगा। जल्दी से बताएं कौन सा सही है। मैंने अभी आपको बताया, अगर ऊपर की गिनती बराबर है, मतलब चॉकलेट की संख्या अगर बराबर है, जैसे एक ही चॉकलेट में बांटना है, ये नहीं कि दो चॉकलेट है और बांटना है, तब नहीं, एक ऊपर की गिनती बराबर है ना, तो 13 लोगों को बांटना पड़ेगा। इसमें मानते हैं 5 चॉकलेट है तो 13 लोग को बांटेंगे, इसमें 5 में 12 लोग को बांटेंगे, किसमें ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा आएगा ना। तो सिंपल सी बात है, 5/12 क्या होगा, आपका बड़ा होगा। समझ गए ना, आगे चले। देखिए अगला सवाल देखिएगा इसमें, जैसे अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 15/9, ठीक है, और अगला सवाल यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 15/
और यहाँ पर लिख दिया सात। अब आप बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है, जल्दी करें। इन दोनों में कौन बड़ा है जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट, जल्दी करें कौन बड़ा है जल्दी से बताएं। अब आप लोग इनमें समझ गए होंगे कौन बड़ा है ना, कौन बड़ा है। देखिए सवाल नंबर तो पहला लिखा है अभी, बट ये पहला नहीं है भाई, कौन सा है, चौथा उठा हो गया होगा। जिस भिन्न का हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी, लेकिन कब, जब अंश बराबर हो उस स्थिति में। समझ गए ना, जैसे अगर मैंने लिखा तीन बटा यहां पर नौ, और यहां पर मैंने क्या लिखा तीन बटा तीन, अब कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये तीन बटा तीन बड़ा है ये छोटा है, क्यों, क्योंकि अंश तो दोनों में बराबर है लेकिन हर देखिए इसका बड़ा है। तो अंश बराबर होने पर जिस भिन्न का हर जितना बड़ा होता है वो भिन्न उतनी छोटी होती है, हर जितना बड़ा होता है वो भिन्न उतनी छोटी होती है। कैसे, इसको काट दो ना, एक बटा तीन आएगा, इसको भी काट दो, एक बटा एक बराबर एक आएगा। अब आप बताइए एक बड़ा है कि एक बटा तीन बड़ा है, एक बड़ा है ना, एक बटा तीन का मतलब जानते हैं, एक बिस्किट या चॉकलेट या टॉफी कोई भी चीज मान लीजिए उसमें तीन हिस्सेदार हैं, एक बटा तीन मतलब उसके तीन हिस्सेदार हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे अगर आपके पिताश्री या फिर दादा दादी जो लोग हैं, अगर दो तीन चार लोग होते हैं तो जो कुछ बंटवारा होता है घर में तीन चार लोग में होता है ना, और किसी घर में मान लेते हैं कोई अकेला है तो कोई नहीं। अब आप समझ गए होंगे कौन बड़ा है, एक बड़ा है। लेकिन अब दूसरी स्थिति देखिए, ये तो हो गई जब आपके क्या हर जो है वो अलग अलग हो, अंश बराबर हो। लेकिन अगर आपको ऐसे सवाल मिल जाए, कैसे, ये क्वेश्चन नंबर पांचवा छठवा लिख लीजिए, जिसमें नीचे का पार्ट जो है वो बड़ा बराबर रहे, जैसे यहां लिख दिया 12 बटा 7 और ऊपर लिख दिया क्या 4 बटा 7, आप बताइए इसमें कौन बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, कैसे जानेंगे। ये बिल्कुल अलग हो गया, थोड़ा सा अलग हुआ, ज्यादा नहीं। कैसे जानेंगे कौन बड़ा है, ऑप्शन देखिए 4/7 और 12/7 और 9/10, जल्दी से बताइए इनमें दोनों में कौन बड़ा है। आप लोग समझ गए होंगे कैसे, देखिए एक कोई वस्तु है जिसके 12 वस्तु है, सॉरी एक कोई क्या है 12 वस्तु है, मान लेते हैं कोई भी चीज है 12, एक मान लीजिए कि पेंसिल है 12 पेंसिल है, जिसमें 7 स्टूडेंट को क्या करना है देना है, ठीक ना, और ये 4 पेंसिल है 4 में 7 को देना है, तो कौन बड़ा होगा, किसमें ज्यादा ज्यादा मिलेगी, किसमें ज्यादा मिलेगी, सिंपल सी बात है जब 12 है तो इसमें ज्यादा मिलेगी ना, इसमें ज्यादा मिलेगी ना। अब आप समझ गए होंगे अगर किसी भिन्न का हर एक समान है तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, बिल्कुल उसका उल्टा है, उसमें कौन बड़ी होती थी, जिसका हर छोटा होता था वो बड़ी होती थी, लेकिन इसमें क्या है, जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। समझ गए ना, कोई क्वेश्चन हो तो निसंकोच बोले इसमें 12/7 बड़ा है, और इस चिन्ह को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे हो गया ना। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं फटाफट और सभी सवाल का जवाब दें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, चाहे जितनी बड़ी सवाल हो। 401/43 और ये है आपका 400/43। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है, ये है 401/43, ये है 400/43। सिंपल में आप मान लीजिए कि आपके पास 400 रुपए हैं, 401 रुपया है, आपको 43 लोगों में बांटना है, इसमें 400 रुपए है मात्र, एक रुपए कम है, और इसमें भी 43 लोगों को बांटना है, तो किसमें ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा होगा ना भाई, इसमें एक रुपए कम पड़ जाएगा ना किसी के हिस्से में, समझ गए ना। यानी कि जिस भिन्न का हर सॉरी जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी बड़ी होगी अगर हर बराबर है तो, समझ गए ना। ये तो बहुत सिंपल सा था,
लेकिन अगर कहीं कहीं ऐसा आ जाता है कि हर भी कुछ अलग है, अंश भी कुछ अलग है, तो ऐसे गड़बड़ी में हम लोग कैसे शक्ल करते हैं, उस बात को भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उस बात को हम आपको इस क्लास में नहीं दिखाएंगे, अगली क्लास में दिखाएंगे। कैसे सवाल होंगे वो, ये हम आपको यहाँ पे जरूर दिखा दे रहे हैं। मतलब कि उस भिन्न में कोई भी रिलेशन नहीं होगा एक दूसरे में, कट्टर बैरी होंगे एक दूसरे के, लेकिन ये कैसे होंगे, कब होंगे। देखिए छठवां सातवां सवाल लिख लीजिए। जैसे 7/9 और 3/5, इसमें देखिए ना किसी का अंश बराबर है किसी के, ना हर किसी के बराबर है, सब कुछ अलग है। इसमें कैसे बड़ी छोटी पहचानते हैं, इसके लिए अगली क्लास जरूर देखिएगा और इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। अगर नहीं मिलती है क्लास, तो अब ये क्लास स्पेशल होगी कि नॉर्मल होगी, ये आप लोग इसी नंबर पे पता कर सकते हैं। अगर ये स्पेशल क्लास होगी तो आपको नंबर पे जरूर कांटेक्ट करना पड़ेगा, वरना ये क्लास यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और नॉर्मल क्लास होगी तो सभी को मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सभी क्लासे मिल सके और आप आराम से देख सकें। इसके अलावा पीपीआर स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी सब कुछ पढ़ें, बिल्कुल निसंकोच, बिल्कुल फ्री, अपने घर से, बस, ट्रेन, बाग बगीचे, खेत खलिहान, कहीं से भी पढ़ें, कभी भी पढ़ें, ऑल इंडिया ही नहीं, ऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, गूगल पर या यूट्यूब पर पीबीआर स्टडी सर्च करें, आपको तुरंत सारे वीडियो मिलेंगे, ठीक ना। तो इन्हीं बातों और उम्मीदों के साथ मैं राजकुमार दुबंसी फिर से मिलूंगा अगली क्लास में। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, जो आप लोगों ने पीबीआर स्टडी की संख्या 50,000 के पार पहुंचा दिया। अगला टारगेट 1,00,000 है, जल्दी से पूरा करिएगा। चलते हैं फिर, अपना ख्याल रखना, फिर से मिलेंगे अगली क्लास के साथ, इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।